क्लास फोर्थ वासियों, कैसे हो आप सब लोग? आई नो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपको एग्ज़ाम्स की अब थोड़ी थोड़ी सी टेंशन होने लग गई होगी, तो आपकी टेंशन दूर करने के लिए हेलो अध्यापक लाए हैं आपके लिए सैम्पल पेपर हाफ ईयरली का क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर के बारे में समझा दूँ। पेपर जो है वो आपका 40 मार्क्स का होगा और इसके अलावा आपके 20 मार्क्स होंगे MDP के और 20 मार्क्स का होगा आपका ओरल। तो इस तरीके से टोटल जो आपका पेपर बनेगा वो बनेगा 80 मार्क्स का। अब आप क्या करेंगे, एक तो ये सैम्पल पेपर तैयार करेंगे और इसके अलावा आप ये मत भूलना कि जो PT1 में सैम्पल पेपर बना था उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मेन एग्जाम में। तो हाफ ईयरली प्लस PT1 दोनों एग्जाम्स को, दोनों सैम्पल पेपर्स को अच्छे से देख लेना, हो सकता है इनमें से आपके लिए बहुत कुछ एग्जाम में आ जाए। अब मैं आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ। यहाँ पर 40 मार्क्स का पेपर आएगा। सबसे पहले रीडिंग होगी जिसमें एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के बाद 5 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। ग्रामर में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स के। क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको उस टॉपिक के ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखने होंगे। इसके अलावा स्पेलिंग्स होगी, हैंड राइटिंग होगी और वोकेबलरी भी होगी। तो आइए चले स्टार्ट करते। सबसे पहले है रीडिंग। यहाँ पर क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं इसको। ट्रैफिक रूल्स हेल्प कीप एवरीवन सेफ ऑन द रोड। ट्रैफिक रूल जो है वो सबकी हेल्प करते हैं सेफ रखने में रोड पे। दे टेल ड्राइवर्स व्हेन टू स्टॉप एट रेड लाइट्स, व्हेन गो व्हेन द लाइट इज ग्रीन एंड हाउ फास्ट दे कैन ड्राइव। अब जो ड्राइवर्स होते हैं उनको पता होता है रेड लाइट जलती है तो हमें गाड़ी रोकनी है, ग्रीन लाइट होगी तो हमें जाना है, और कितना तेज चलानी है गाड़ी ये भी जो सड़क होती है उसके किनारे बोर्ड लगे हुए होते हैं कि आपको 40 की स्पीड पर चलना है या 50 की या जैसे भी। पेडेस्ट्रियन शुड क्रॉस द स्ट्रीट एट क्रॉस वॉक। पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको जो है क्रॉस करना चाहिए क्रॉस वॉक्स पे, जिसको हम जीब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं। एंड ऑलवेज लुक बोथ साइड्स बिफोर क्रॉसिंग। और सड़क पर क्रॉस करने से पहले हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, एक तरफ देख कर नहीं चलना चाहिए। बाइसाइकिलिस्ट शुड वियर हेलमेट्स एंड फॉलो द सेम रूल्स एज कार्स। और जो साइकिल चला रहे होते हैं लोगों को उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए, साइकिलिस्ट का हेलमेट थोड़ा सा अलग आता है, और उनको वैसे ही रूल्स फॉलो करने चाहिए जैसे कोई कार चला रहा है। बाय फॉलोइंग दीज रूल्स वी कैन हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं एक्सीडेंट्स को। एंड मेक द रोड सेफर फॉर एवरीवन, और रोड सभी के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनको कंप्लीट करते हैं। वट शुड ड्राइवर्स डू वेन द लाइट इज रेड। तो जब लाइट रेड होती है तो वी शुड स्टॉप एट रेड लाइट्स। मैं इसको अभी लिख के भी दिखाऊंगा। वेयर शुड पेडेस्ट्रियन क्रॉस द स्ट्रीट। तो ये रहा इसका आंसर सीधा सीधा, पेडेस्ट्रियन शुड क्रॉस द स्ट्रीट एट क्रॉस वॉक्स। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर बाइसाइकिलिस्ट टू वियर हेलमेट्स। तो इसका आंसर आएगा बाइसाइकिलिस्ट शुड वियर हेलमेट्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए। क्रॉस वॉक्स आर यूज्ड बाय, क्रॉस वॉक्स को कौन यूज कर रहा है, पेडेस्ट्रियन जो है वो क्रॉस वॉक को यूज कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कलर लाइट मींस गो। गो का मतलब क्या है, ग्रीन लाइट। तो अब मैं इनके आंसर्स लिख के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके इनके आंसर्स देख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम पहुंच गए राइटिंग पे। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के, हमें इनको इनके आंसर्स लिखने हैं। तो पहला है, हु इज द पोएट ऑफ द रन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो जिन्होंने पोएम रन लिखी है वो है मैरी डॉन्ट। तो आप इसको टिक करके इसी को यहाँ पर लिख देना, मैरी डॉन्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। नसरुद्दीन किस बात की बढ़ाइया मारता था। तो नसरुद्दीन बोलता था हमेशा कि वो जो है एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज है, वो बहुत ही सटीक निशाना लगाता है। इस तरह से आप लिख सकते हो, नसरुद्दीन ऑलवेज बोस्ट अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स टू हिज फ्रेंड्स। थर्ड है, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। एलिस ने एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी में जिस रैबिट को देखा था उसके बारे में डिफरेंट क्या था। तो आपको याद है एलिस इन वंडरलैंड में उसने एक ब्लू कोट पहन रखा था और रेड कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था, हैंड में ग्लव्स पहन रखे थे, और फिर उसके पास एक जो है एक छोटी सी घड़ी भी थी जिसमें से टाइम देखकर वो बात करता हुआ उसके पास से गुजरा। तो ये सब बहुत अजीब था उसके बारे में। लिख सकते हो आप, द रैबिट कुड टॉक एंड वोर रेड वेस्ट कोट
और इट ऑल्सो हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी भी थी। और बात करते हुए जा रहा था ना वो। चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं, अब आपका आता है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में क्या है, डू एज डायरेक्टेड, 10 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क के, टिक द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको टिक करना है जो भी आपको इन दोनों में से सही ऑप्शन लगे। शी इज या आर गोइंग टू द पार्क। अब शी जो है वो सिंगुलर है, एक ही है, तो शी के साथ इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा, तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए, शी इज गोइंग टू द पार्क। नेक्स्ट है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ कांट। कांट की फुल फॉर्म होती है कैन नॉट, और वोंट की होती है विल नॉट। कैन नॉट और विल नॉट। थर्ड है, राइट द कंपाउंड वर्ड। यहाँ पर डे प्लस ब्रेक मिलकर क्या बनेगा, डे ब्रेक, तो आप डे ब्रेक यहाँ लिख दोगे। यहाँ वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। सर्कल द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन यहाँ पर आपको दो दे रखे हैं, अंडर और ओवर। द कैट इज हाइडिंग, कैट छुपी हुई है, डैश द बेड, अंडर द बेड या ओवर द बेड, यहाँ पर आएगा अंडर द। इस तरह से डे ब्रेक, वाटरफॉल और यहाँ पर अंडर इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं, इनमें से आपको प्रोनाउन चुनने हैं। मारिया हैज ए कैट, मारिया के पास कैट है, डैश लव्स हर कैट, वो प्यार करती है अपने कैट को बहुत ज्यादा, तो कौन आएगा, ही आएगा या शी आएगा। मारिया जो है एक लड़की है, तो उसके साथ शी आएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे शी। आगे बढ़ेंगे, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर अच्छा यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, अब जैसे नाउन क्या है, चाइल्ड है। अब वो चाइल्ड कैसा है, लंबा छोटा मोटा ऊंचा नीचा जैसा भी है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, एडजेक्टिव। तो कैसा चाइल्ड होगा, तो हम लिख देंगे कुछ भी लिख सकते हो आप, चाइल्ड जैसे आपको लगे, ब्यूटीफुल चाइल्ड लिख देंगे। और यहाँ पर डैश डे है, अब कैसा डे है, हॉट हॉट डे हो सकता है, कोल्ड डे हो सकता है, ब्राइट डे हो सकता है, फन डे हो सकता है, जैसी मर्जी आपकी, आप यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल चाइल्ड और फन डे लिख दिया। इसके अलावा 7th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर ए और एन है, इनमें से कोई एक आपको चुनना है, वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है और वो किससे स्टार्ट हो रहा है। अगर वो AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा, और अगर वो BCDFGHKLMN इससे स्टार्ट हो रहा है तो वो, तो IC-Apple, एप्पल के साथ आएगा, एन एप्पल, तो करेक्ट आंसर है IC an Apple ऑन द काउंटर। 8th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे अभी हमने बात किया, डिस्क्राइबिंग वर्ड को ही एडजेक्टिव बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। द स्मॉल पप्पी इज वेरी प्लेफुल। अब यहाँ पर पप्पी जो है वो नाउन है, अब पप्पी कैसा है, स्मॉल है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, तो आपका स्मॉल जो है, दिस इज एक्चुअली योर एडजेक्टिव। फिर यहाँ पर आ गया, राइट द पास्ट टेंस। स्टॉप का पास्ट टेंस होगा स्टॉप्ड, और राइट का पास्ट टेंस होगा, राइट का क्या होगा, राइटेड, नहीं राइट का होगा रोट। प्लूरल लिखना है हमें, गर्ल का प्लूरल होगा गर्ल्स, और लीफ का प्लूरल होगा लीव्स, नहीं लीव्स, एफ हटेगा और इसकी जगह VES आएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हो, स्टॉप, रोट, गर्ल्स और लीव। तो यहाँ पर आपकी ग्रामर कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए, वोकेबलरी है। वोकेबलरी में क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग अन या इम। अब यहाँ एक वर्ड दे रखा है परफेक्ट, अब या तो अनपरफेक्ट होगा या इम होगा, इन दोनों को इस वर्ड के आगे लगाकर अपोजिट बनाना है, तो अनपरफेक्ट होगा या इमपरफेक्ट होगा, तो करेक्ट वर्ड होगा इमपरफेक्ट, और यहाँ पर आएगा हेल्दी का अपोजिट अनहेल्दी। सेकेंड, राइट वन वर्ड विच मीन्स टू बी वेरी हैप्पी। अब वेरी हैप्पी जो है उसके बारे में, इस पूरे 4 वर्ड्स को हमें एक वर्ड में चेंज करना है, और ये डी से स्टार्ट हो रहा है, तो द वर्ड इज डिलाइटेड, डिलाइटेड, और एट वंस मतलब अचानक, तो इसका आंसर हम क्यू से स्टार्ट करेंगे तो वो होगा क्विकली, क्विकली, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं DELIGHTED, डिलाइटेड एंड क्विकली। थर्ड इज फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको एक और जो अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा, उसको सर्कल करना है, तो टुडे, वीक, मंथ और ईयर। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि एक जो सबसे अलग है बाकी चारों तीनों से, वो कौन सा है, वो है टुडे, क्योंकि अगर आप देखोगे वीक जो है वो ग्रुप ऑफ 7 डेज है, मंथ जो है ग्रुप ऑफ 30 डेज है, ईयर जो है ग्रुप ऑफ 365 डेज है, टुडे जो है वो अकेला है, इसलिए यहाँ पे अकेले में इसको ऑड वन आउट कर दिया गया है। पिक आउट द नाउन्स एंड राइट। अब यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में जितने भी नाउन्स हैं उन सबको यहाँ पर लिखना है, तो दिल्ली इज द कैपिटल सिटी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो नाउन है, एक तो नाम है दिल्ली,
ये, और सिटी, दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है, सिटी जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन ये दोनों ही नाउन है और ये दोनों ही आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स लिखने हमें नेवर और प्ले का, तो नेवर का राइमिंग वर्ड होगा एवर और प्ले का होगा डे। मैं लिख के दिखाता हूँ, तो मैंने नेवर के दो लिख दिए हैं, नेवर के राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं एवर और क्लेवर, और प्ले के मैंने तीन लिख दिए हैं, प्ले का हो सकता है स्टे क्ले वे, तो आपको जो ठीक लगे वो आप लिख। आगे है आपका स्पेलिंग, स्पेलिंग में भी आपको पांच क्वेश्चन आएंगे वन वन मार्क के, पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। अब ये जो है जम्बल लेटर्स हैं, उल्टे पुल्टे लेटर हैं, आपको इनको सही करके एक यहाँ पर वर्ड बनाना है, तो ये PREERY, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड मुझे तो लग रहा है ये बन रहा है प्रेयर, और दूसरा ये जो वर्ड बन रहा है IRMORR, तो ये मुझे लग रहा है ये वर्ड है मिरर। इस तरह से लिख दीजिए प्रेयर और मिरर। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, स्पेल द गिवन वर्ड्स करेक्टली। अब यहाँ पर लिखा है ग्लासेस, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, वो सही करके लिखनी है। यहाँ लिखा है अलार्म, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, इसकी सही करके यहाँ पर लिखनी है। इस तरह से लिखने के बाद अब थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट वर्ड यूजिंग EA और IE। तो यहाँ पर ये दो स्पेलिंग है, एक तो ये TH-F, ये थीफ बनेगा, और ये पीस बनेगा, पी और सी पीस बनेगा। तो अब इनमें से एक स्पेलिंग यहाँ आएगी और एक स्पेलिंग यहाँ आएगी, वही हमें डिसाइड करना है बस कौन सी वाली कहाँ जाएगी। तो थीफ की स्पेलिंग होती है TH-IE-F, यानी कि ये वाला जो है ये यहाँ आएगा, ये जो है IE ये यहाँ पर आ जाएगा, और पीस की स्पेलिंग होती है शांति वाला जो पीस होता है PEACE, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इस ये बस यहाँ लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर नीडल जो सुइयाँ होती है उसकी स्पेलिंग है नीडल्स, नीडल्स और नीडल्स, इनमें से एक ही सही है, द करेक्ट स्पेलिंग इज नीडल्स। बी इज एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन, और इनमें से भी एक ही करेक्ट है स्पेलिंग, और वो है एजुकेशन की स्पेलिंग ये। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज द हिंट गिवन बिलो टू कंप्लीट द स्पेलिंग। अब ये है अ थिंग यूज टू वेक अप अस इन द मॉर्निंग, हमें एक चीज जो सुबह सुबह उठाती है वो क्या होगा, दैट इज क्लॉक। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग कंप्लीट कर लेंगे इसकी, मेरे ओ ने थोड़ा आलू ज्यादा खा लिया था इसलिए मोटा हो गया। और बी जो है अ प्लेस विद स्ट्रेंज थिंग, एक ऐसी जगह है जहां पर अजीब अजीब चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड वंडरलैंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वंडर और लैंड। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको मिलेगी क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स की। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको योर फेवरेट टीचर या योर डेली रूटीन, अपना जो डेली रूटीन, आप कब उठते हो, कब नहाते हो, कितने बजे नहाते हो, कहाँ स्कूल जाते हो, कितने बजे जाते हो, कब आते हो, क्या खाते हो पीते हो, उन सब के बारे में लिखना है, या फिर आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिख देते। तो फेवरेट टीचर तो आपका हेलो अध्यापक ही है, मुझे मालूम है आपका फेवरेट टीचर ही हेलो अध्यापक है। ओके, जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पर आप अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखकर उनके बारे में 5 सेंटेंसेस लिख देना, वो कैसे हैं, उनका नाम क्या है, वो क्या पढ़ाते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, वो डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं, वो प्यार करते हैं लाड करते हैं, जो भी करना है ठीक है, वो आप यहाँ लिख लीजिएगा। और डेली रूटीन में आप लिख सकते हो कि मैं कितने बजे उठता हूँ, फिर सुबह फ्रेश होके मैं स्कूल जो चला जाता हूँ, स्कूल से वापस आता हूँ, फिर मैं मम्मी जो है मटर छीनने वाली आंटी के पास ट्यूशन भेज देती है, फिर मैं वापस वहाँ से आता हूँ, फिर मैं खेलता हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पर डेली रूटीन। तो यहाँ मैंने दोनों के ही आंसर लिख दिए हैं बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे माई फेवरेट टीचर के लिए मैंने लिख दिया है, माई फेवरेट टीचर इज स्नेहा मैम, आई डोंट नो हु इज स्नेहा मैम, मगर वो मेरी फेवरेट टीचर है, कोई बात नहीं, शी इज माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास टीचर है, शी टीचेज अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है, शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली, वो बहुत प्यार से बोलती है, शी लव्स द होल क्लास, और वो पूरी क्लास के हर बच्चे को, सभी को प्यार करती है। अगर आप आपके डेली रूटीन के बारे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आई वेक आप अपनी लिख आप ठीक है, आई वेक अप एट 5 AM, 5 बजे उठता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 7 AM, 7 बजे स्कूल जाता हूँ, आई कम फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, 2 बजे वापस आता हूँ, एट 4 PM आई कंप्लीट माई होमवर्क, फिर मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ 4 बजे, एंड आई प्ले आउटडोर गेम्स इन द इवनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें शाम को जो है बाहर जाकर खेलना चाहिए, घर में बैठकर फ़ोन पे नहीं लगे रहना चाहिए, वरना हम बुद्धू राम बन जाएंगे। तो बुद्धू राम नहीं बनना है तो मोबाइल फ़ोन को शाम को रख दो, बाहर जाओ, 2 घंटे भागो दौड़ो खाओ खेलो पियो सब करो ठीक है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग खत्म करने के बाद आपके पास बचेगा हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में आपको क्या करना होता है, ये जो पैराग्राफ आपको दिया है इसी पैराग्राफ को आपको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में यहाँ पर वापस लिख देना है, और आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट होता है।
मेरी तरफ से बस इतना ही। एक बार फिर कहूंगा कि एग्जाम से पहले इस पेपर को भी ढंग से करना, और जो PT1 का पेपर है उसको भी करके जाना। दोनों को करके जाओगे तो इट विल बी डबल बेनिफिशियल। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, पढ़ते रहो।